हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आई एम राजेश चौरसिया. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 फोर्थ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द न्यूटन्स लॉ. इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इनर्शिया एंड मोमेंटम. ओके, सो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज एक बार वो वीडियो देखें, देन आफ्टर ये वीडियो देखें. बिकॉज जो फर्स्ट और सेकेंड लॉ है वो किस पे बेस है? इनर्शिया और मोमेंटम पे. ठीक है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड लॉ को समझने के लिए इनर्शिया और मोमेंटम को पढ़ना पड़ेगा. तो वो आप प्रीवियस वीडियो देख के ही इसको देखें. ठीक है, ओके. सो लेट अस स्टार्ट द न्यूटन फर्स्ट लॉ. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अ बॉडी इज कंटिन्यूसली मोशन और रेस्ट. मतलब कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी या फिर कंटिन्यूसली रेस्ट में रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे. जहां तक कोई भी ऑब्जेक्ट पर यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और यदि मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे. ठीक है, तो अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट. जहां तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे. जैसे कि लेट अस कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास. ठीक है, अब ये रेस्ट कंडीशन है, इसका कुछ ना कुछ मास है. ठीक है, अब ये रेस्ट कंडीशन, तो ये रेस्ट कंडीशन में रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा. अब जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया इस पर, तो क्या हो गया, ये मोशन में आ गया, ये इसकी पोजिशन चेंज होगी. ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी पोजिशन कैसे चेंज हुई? ये रेस्ट में था, मोशन में क्यों आया? क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क अप्लाइड हुआ. ठीक है, ठीक. अभी लेटेस्ट कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई बॉल है. अब इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो कंटिन्यूसली क्या होती है? मोशन में रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जहाँ वहाँ तक ये रेस्ट कंडीशन में नहीं आएगी. बट आपने देखा होगा कि जैसे फुटबॉल या कोई भी वॉलीबॉल पे हम फुटबॉल मान लो फुटबॉल सभी ने देखा, तो उस पर जब हम किक मारते हैं, मान लो कोई फुटबॉल है उसको हमने क्या किया, किक किया. ठीक है, तो क्या होगी, आफ्टर सम टाइम वो रेस्ट कंडीशन में आ जाती है. उस पर किसी ने फोर्स अप्लाई नहीं किया, आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, बट उस पर एक फोर्स वर्क करता है. कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स. आपने क्लास 8 में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया है. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? इट इज अ अपोजिंग फोर्स विच इज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट सर्फेसेस. ठीक है, ये एक अपोजिंग फोर्स होता है, जो कि दो कॉन्टेक्ट के बीच में, दो बॉडी जब कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट, ये आपकी जो फुटबॉल है ये क्यों रेस्ट कंडीशन में आ रही? बिकॉज इसके ऊपर एक फोर्स वर्क कर रहा है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स. तो मतलब कोई भी, कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि ट्री होता है, उसमें क्या होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं. तो जब हम क्या करते हैं, उसकी ब्रांचेस को शेक करते हैं तो क्या होते हैं, उसके फ्रूट्स नीचे आ जाते हैं. ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उसका कुछ ना कुछ मास होता है. अब जब हम उसकी ट्री की ब्रांचेस को शेक करते हैं तो क्या होता है, वो रेस्ट, जो फ्रूट्स होते हैं वो रेस्ट कंडीशन में रहना पसंद करते हैं. ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाते हैं, उस पर एक जर्क लगता है, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं. ठीक है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, वो नीचे आ जाते हैं. ठीक है, इसी वजह से फ्रूट्स जब भी हम शेक करते हैं ट्री की ब्रांचेस को तो फ्रूट्स नीचे आ जाते हैं. ठीक है, बीटिंग ऑफ हैंगिंग कारपेट, जब भी कोई हैंगिंग कारपेट को हम बीट करते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं ना. तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का. ठीक है, अब जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है इसको हम क्या भी बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूं आपको, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सभी बस में या व्हीकल में, कार में, किसी में बैठे होंगे. ठीक है, तो जब जैसे कि अभी कार या आपकी बस रुकी हुई है और आप उसमें बैठे हुए, तो मतलब आपकी बॉडी भी रेस्ट कंडीशन में. ठीक है, जैसे ही सडनली आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है तो आप क्या होता है, पीछे की तरफ झुकते हो. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में. अब जैसे ही आपकी बॉडी, आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई तो आपकी आपकी व्हीकल मोशन में है, तो आपकी बॉडी भी मोशन में आएगी. तो
आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसको अपोज कर रही है, वो मोशन में नहीं आना चाह रही, इस वजह से आप बैकवर्ड जाते हो। और ऐसा यदि इसके अपोजिट कोई भी मूविंग व्हीकल है, जैसे कि मान लो कोई बस है उसमें आप बैठे हुए हो, तो आपकी बॉडी भी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो होता क्या है, जब सडनली बस में ब्रेक अप्लाइड होते हैं तो क्या होता है, आप आगे की तरफ झुकते हो, क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपकी बॉडी मोशन में, ठीक है। तो सडनली जब आपकी व्हीकल, आपकी बस क्या होती है, रेस्ट कंडीशन में आती है ब्रेक अप्लाई करने पर, तो क्या होती है आपकी बॉडी उसको अपोज करती है, वो मोशन में नहीं, वो रेस्ट में नहीं आना चाहती, वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहना चाहती है, तो इस वजह से आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकती है, ठीक है। और एक और, जब आपकी गाड़ी क्या होती है, शार्प टर्न लेती है या टर्न लेती है, तो क्या होती है आप साइड में झुक जाते हो, उसके पीछे भी रीजन क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, ये मास पे डिपेंड होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा फोर्स रिक्वायर होगा। जैसे कि एक तो 2 केजी का ऑब्जेक्ट है और एक 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, तो किसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऑफ कोर्स 10 केजी, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, और उतना ही ज्यादा हमें क्या होगी, फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, ठीक है, उसके मोशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी, अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो किसके थ्रू मेजर होता है, किसके थ्रू मेजर होता है, उसके मास के थ्रू। तो इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब देखो इनर्शिया हमने बात करी थी, 3 टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, इसको हम प्रूफ करके बताएंगे। तो देखो जो आपका, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा F इक्वल टू एम ए। अभी कहां से आया, वो न्यूटन सेकंड लॉ से आया, ठीक है, इसको हम प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है। तो देखो यदि मैं न्यूटन ठीक है, तो अब इसको हम देखो मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज द मोमेंटम, प्रूफ करके बताएंगे अपन इसको। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इसको पी से डिनोट किया जाता है, क्या होता है, एम इंटू पी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ मास है। अब देखो इसको पे इसकी वेलोसिटी u से बढ़ाकर हमने क्या कर दी, v कर दी। इसको क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर दिया हमने। तो मास तो a में रहेगा, वेलोसिटी क्या होगी इसकी भी, एक्सेलरेशन कितना हुआ इसमें a, ठीक है। अब जैसे इसमें इसने s डिस्टेंस कवर कर लिया, s डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी, इसके लिए चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो देखो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो देखो इसके लिए इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, टी वन बराबर mu हो जाएगा। इनिशियल तो इनिशियल वेलोसिटी तो u है ना, और फाइनल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, p2 इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, p2 माइनस p1, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv माइनस mu। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, अब देखो देखो जब भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिखे तो उसमें हमें क्या करना है, टाइम को डिवाइडेड में लगा देना है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब भी आए तो हमें क्या कर देना है, टाइम को डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1 अपॉन t, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v, देखो m को मैंने कॉमन ले लिया, v माइनस u बाई t। तो ये इसको हमने इक्वेशन वन मान ली, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u बाई t, ये हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो देखो v माइनस u बाई t यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने एट में चैप्टर एट में पढ़ा है, मोशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, तो p2 माइनस p1 by t इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे m इंटू है, और ये यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, देखो अब भाई यहाँ पे देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, क्या लिख दूँ भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, तो ये रख देता हूँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p2, इसको इक्वेशन 3, p2 माइनस p1 बाई t, तो इसकी जगह m a लिख दूँ, f इक्वल टू m इंटू a। देखो अब प्रोपोर्शनल चल रहा है, और देखो तो ये m a मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो प्रोपोर्शनल को जब भी हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट क्या दे दिया, k m a, ठीक है। अब देखो ये अभी यदि मैं फोर्स की वैल्यू 1, मास की वैल्यू 1 और एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 रख दूं, तो मेरे पास k बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, k बराबर 1। तो यदि k बराबर 1 यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो f बराबर f इक्वल टू m है, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स का, यही तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो बस तो दैट मीन्स जो फोर्स का फॉर्मूला है f इक्वल टू m, वो कहाँ से आया, न्यूटन सेकंड लॉ, और ये हमने प्रूव कर दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, क्लियर आई थिंक। और देखो अब इसकी यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, यदि सेकंड लॉ के
एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपने देखा होगा जो यदि कोई भी पर्सन जो कंक्रीट या सीमेंट का जो सरफेस होती है उस पे गिरे किसी पर्टिकुलर हाइट से या फिर सैंड पे गिरे तो कहाँ पर उसको उसको ज्यादा चोट लगेगी, सैंड पे या फिर जो कंक्रीट का जो सरफेस होगी उस पे, कंक्रीट के सरफेस पे? क्यों? क्योंकि वहां पे इफेक्ट ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि मास, क्योंकि वहां पे टाइमिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, एक वेलोसिटी क्या होगी, एकदम से चेंज होगी, तो टाइम भी कम लगेगा, तो इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि मोमेंटम क्या होगा वहां पे, ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा, तो फोर्स की वजह से इफेक्ट भी ज्यादा होगा। बट यदि सैंड पे कोई भी पर्सन गिरता है तो क्या होगा, उसकी जो मोमेंटम होगा वो धीरे धीरे धीरे, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे चेंज होती है। ये देखो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज वेलोसिटी धीरे धीरे, मतलब टाइम बढ़ेगा तो वहां पे फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा उस जगह पे, कम हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इस वजह से, और आपने देखा होगा यदि क्रिकेट देखते हो तो जब भी बैट्समैन हिट करता है बॉल को और तो जो फील्डर होता है वो जब भी कैच करता है तो क्या होता है, उसके जो हाथ होते हैं उसको क्या करता है वो, मतलब धीरे धीरे पीछे ले जाता है। तो वो क्यों ले जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे डिक्रीज करता है और टाइम को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, जो मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से उसके हाथ में कम चोट लगेगी, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि जो भी क्रिकेटर खिलाड़ी होता है, जो फील्डर होता है, वो कैच के टाइम अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों ले जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, ये न्यूटन सेकंड लॉ। तो आई थिंक, और हाँ, और एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, व्हीकल, व्हीकल विथ शॉक एब्जॉर्ब, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, व्हीकल होती है उसमें शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, उसके मोमेंटम को कम कर देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट को, जिससे क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट कम जनरेट। इसी वजह से जब भी गाड़ी आपकी गड्ढे में गिरती है तो आपको झटके कम लगते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो आई थिंक आपके सेकंड लॉ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, जो सबसे इजी होगा। थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखो, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो भी, मतलब दो बॉडी, जब भी कोई भी एक्शन होगा तो उसका अपोजिट में हमेशा क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। जैसे कि मैंने इसको, इस पे एक्शन किया तो इस बॉडी ने मेरे को क्या दिया, रिएक्शन। तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉल है, ठीक है, बॉल ए एंड बॉल बी, ये दोनों क्या किए, एक दूसरे से कोलाइड हुई, तो इसने इस पे क्या किया, एफ ए बी फोर्स अप्लाई किया, तो इसने भी क्या किया, इस पे एक फोर्स अप्लाई किया एफ बी ए, बट क्या होगी, डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, तो माइनस साइन यहां को पे क्या डिनोट कर रहा है, रिएक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर, क्या क्या है यहां पे, ऑपोजिट, तो क्या होगा, ये यही हमारा क्या होता है, माइनस
माइनस सिंबल क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, ठीक है ना। आई थिंक ये, और इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि हम वॉक करते हैं तो क्या होता है, हम एक एक्शन फोर्स दे रहे हैं तो रिएक्शन में जो सरफेस है, जिस सरफेस पे हम चल रहे हैं, वो भी हमें क्या कर दे रहा है, एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है। जैसे कि मान लो मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ये टेबल पे मैंने यहाँ पे ये बुक रखी, तो ये इस पे एक्शन दे रहा है और ये रिएक्शन, ये टेबल इसको क्या दे रही है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जांपल है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ तो जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है, तो रॉकेट कैसे आगे बढ़ता है, वही एक्शन रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, जब उसमें थर्मल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, गैसेस बाहर निकलते हैं और वो गैसेस क्या करते हैं, उस पर एक थ्रस्ट फोर्स जनरेट करती है, जिससे क्या होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये सारे किस पे बेस है, न्यूटन थर्ड लॉ पे। ओके, आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू।